देखिए, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेजर लॉसेस के बारे में। देखिए, जब पाइप में फ्लो होता है तो उसमें दो टाइप के लॉसेस होते हैं। एक होते हैं माइनर लॉसेस, दूसरे होते हैं मेजर लॉसेस। मेजर लॉसेस किस वजह से होते हैं? जो विस्कस एक्शन होती है फ्लूड की, उस वजह से होता है। यानी कि इनका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा रहेगा, प्लस इनका अकरेंस भी लार्ज अमाउंट का रहेगा। जबकि जो माइनर लॉसेस होते हैं, माइनर लॉसेस क्या होते हैं? सडन एक्सपांसन, सडन कॉन्स्ट्रक्शन, एग्जिट फ्लो, तो ये सारे होते हैं, ये माइनर लॉसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड ये किस वजह से आते हैं? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है ना, फ्लूड की जो वेलोसिटी है उसका या तो मैग्नीट्यूड हो जाए चेंज, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, उस वजह से आते हैं माइनर लॉसेस। ये क्या होते हैं? ड्यू टू सडन एक्सपांसन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, एग्जिट फ्लो, बैंड लॉसेस, ये सारे होते हैं माइनर लॉसेस। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेजर लॉसेस के बारे में। ठीक है, तो मेजर लॉसेस किस वजह से आते हैं? विस्कस एक्शन की वजह से। इसमें हम दो टाइप के इक्वेशन यूज करते हैं। पहली इक्वेशन करते हैं डार्सी बिस्वैक इक्वेशन यूज, और दूसरी करते हैं चेजीज फॉर्मूला। ये दो टाइप के हम कॉन्सेप्ट इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेजर लॉसेस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मेजर लॉसेस प्लस ये जो मेजर लॉसेस है इनके बारे में हम मैक्सिमम स्टडी तो कर चुके हैं, क्योंकि जो पाइप फ्लो के केसेस थे उसमें जो हेड लॉस निकालते हैं हम, वो कैसे आता है उसका कंप्लीट फॉर्मूला मैंने पाइप फ्लो जब स्टार्ट किया था, यानी कि उसमें हमने निकाली थी वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, शेयर स्ट्रेस, हेड लॉसेस, डिस्चार्ज, प्लस फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट की जब हमने कैलकुलेशन की थी उसमें भी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी। तो उसी टाइप पे हमने एक चेजी फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, वो यानी कि मेजर लॉसेस का मैक्सिमम पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। हमको केवल समझना है तो माइनर लॉसेस के बारे में, जो कि हम माइनर लॉसेस लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मेजर लॉसेस, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इन शॉर्ट ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेजर लॉसेस में हम किसके बारे में बात करेंगे? पहला करेंगे डार्सी बिस्वैक इक्वेशन, और दूसरी बात करने वाले हैं चेजी के फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किससे? डार्सी बिस्वैक इक्वेशन, जो कि हम जानते हैं हेड लॉस इज इक्वल टू एफ एल बी स्क्वायर अपॉन टू जी डी। ये हेड लॉस क्या होता है? यदि पाइप हॉरिजॉन्टल है, पाइप हॉरिजॉन्टल है तो उसके लिए हम हेड लॉस लिख सकते हैं पी वन बाय रो जी माइनस पी टू बाय रो जी इज इक्वल टू एफ एल बी स्क्वायर बाय टू जी डी, जहां पर डी डायमीटर है, बी वेलोसिटी, एल लेंथ होती है पाइप की, एफ होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, यदि पाइप हॉरिजॉन्टल है तो हमको यहां पर डेटम हेड भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा जेड वन, इसके सेंटर से यह हाइट हो जाएगी जेड टू। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है, पी वन बाय रो जी प्लस जेड वन माइनस पी टू बाय रो जी प्लस जेड टू इज इक्वल टू, ये बराबर होता है एच एफ प्लस ये भी बराबर होता है एच एफ। यहाँ पर हमने जेड को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ से डेटम की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों ही केस में बराबर रहेगी, तो जेड जेड कैंसिल हो जाएंगे, ये होता है एफ एल बी स्क्वायर बाय टू जी डी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हम इसको लिखें तो फोर एफ एच एल बी स्क्वायर बाय टू जी डी। अब देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन आ गया, एफ इज इक्वल टू फोर एफ डैश। ठीक है, यानी कि ये होता है फ्रिक्शन फैक्टर, ये होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एफ डैश फ्रिक्शन कोफिशिएंट। यहाँ पर यदि हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू भी लिखे तो वो होता है टाउ डब्ल्यू, यानी कि बार की शियर स्ट्रेस वन बाय टू रो वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी कहाँ से आता है? ये भी हम ड्राइव कर चुके हैं, यानी कि चेजी डार्सी बिस्वैक इक्वेशन को हम मैक्सिमम कवर कर चुके हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, ये कैसे आती है। ठीक है, ये होता है मेजर लॉसेस की वजह से, यानी कि ड्यू टू फ्रिक्शन एक्शन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ रहा है ना, सॉरी फ्रिक्शन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी आ रहा है, तो ये होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन एक्शन की वजह से। ठीक है, दूसरा होता है चेजीज फॉर्मूला, चेजीज फॉर्मूला। देखिए ये क्या होता है चेजी का फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू सी एम आई,
ठीक है, जहां पर v होती है वेलोसिटी, c होता है चेजिस कोफिशिएंट, m होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है एरिया टू पेरिफेरी। i होता है हाइड्रोलिक स्लोप। हाइड्रोलिक स्लोप क्या होता है? देखिए इसके पहले मैं लिख देता हूं i इक्वल टू एच एफ बार एल। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। और यदि हम एक और चेजी कोफिशिएंट की टर्म में इस को लिखना चाहें तो C इज इक्वल टू होता है एच जी बाय एफ। ये फॉर्मूला हमको जनरली यूज करना पड़ता है जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं मेजर लॉसेस की, उस टाइम पे हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो कि है C इज इक्वल टू एच जी बाय एफ। अब ये आता कहाँ से वो भी हम ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, चलिए एक पाइप बनाऊंगा। पाइप में मैंने पीजोमीटर इंस्टॉल कर दिए, तो ठीक है यहां पर प्रेशर का कुछ लेवल यहां पर रहेगा ड्यू टू प्रेशर, और यहां पर लेवल कुछ इस तरह रहेगा। तो देखिए यहां से यहां तक इतना डिफरेंस आ रहा है ये लेवल में, ये वाला एंगल हो जाएगा आई। आई मैंने क्या बताया था, हाइड्रोलिक स्लोप आई इज इक्वल टू एच एफ बाय एल। इन दो पीजोमीटर जो हमने इंस्टॉल किए उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी एल। ठीक है, और ये हो जाएगा हेड लॉस एच एफ। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन आई इज इक्वल टू एच एफ बाय एल। ठीक है, एच एफ क्या हो जाएगा, हेड लॉस टू द लेंथ। ठीक है, एम की वैल्यू में लिख चुका हूं एरिया टू पेरिफेरी। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई बाय फोर, पाई का एरिया यदि हम लें तो पाई बाय फोर बाय डी स्क्वायर टू पाई डी, ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, तो यहां से हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। चेजी का फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं, देखिए डासबिस इक्वेशन हम यूज करते हैं पाइप फ्लो के केसेस में, क्लोज कंड्यूट में यदि फ्लो हो रहा होता है तो उसको उस टाइम पे हम यूज करते हैं। ये जो फॉर्मूला आता है फ्रिक्शन को फैक्टर की टर्म में, ये हम यूज कर सकते हैं लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो दोनों केस के लिए। लेकिन जो चेजी के फॉर्मूले हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम ओपन चैनल फ्लो के लिए। ठीक है, ओपन चैनल फ्लो के लिए एक नंबर भी होता है फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर इसको हम ओपन चैनल फ्लो के लिए यूज करते हैं। ये क्या होता है, वेलोसिटी बाय अंडर रूट एल जी। ठीक है, ये एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली यदि हम फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। यदि हम इसको इन टर्म ऑफ थ्योरी लिखें तो ये होता है इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया था, जहां पर एल होती है लेंथ, जी होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बी होती है वेलोसिटी। ठीक है, ये फ्रॉड नंबर यूज करते हैं हम ओपन चैनल फ्लो के लिए, और चेजी फॉर्मूला हम यूज करते हैं ये पाइप फ्लो के लिए यूज करते हैं, डार्सी-वेयर्स ब्रेक ये यूज करते हैं किसके लिए, चेजी ओपन चैनल फ्लो के लिए, ओपन चैनल फ्लो के केस में। अब मैं हम बात करते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से, ड्राइव होकर। इसकी हम बात करते हैं, तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं v इज इक्वल टू c अंडर रूट m i। यदि हम इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एम की वैल्यू यदि हम करें एरिया टू पेरिफेरी, एरिया क्या हो जाएगा पाई बाय फोर बाय डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई डी, ये हो जाएगी पेरिफेरी। आई क्या हो जाएगा एच एफ बाय एल, ये होता है हेड लॉस। यदि हम इस हेड लॉस की वैल्यू भी यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं एफ एल बी स्क्वायर बाय टू जी डी। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, चलिए इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, पाई पाई डी डी कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए डी ये है ए डी ये है, ये डी और ये डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल और केवल बचने वाला है एट फोर मल्टीप्लाई बाय टू जी बाय एफ। तो हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच जी बाय एफ, सी इज इक्वल टू हो जाता है एच जी बाय एफ।
देखिए, अब आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि डार्सी पीज़वेक इक्वेशन प्लस चेजी फॉर्मूला दोनों इंटररिलेटेड है। तभी तो हमने चेजी के फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हमने डार्सी पीज़वेक इक्वेशन को यूज कर लिया, यानी कि ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फ्लो, और जो पाइप फ्लो के केसेस होते हैं, पाइप फ्लो के, वो हम डील करते हैं रेनॉल्ड नंबर से। तो ये हम डील करते हैं रेनॉल्ड नंबर से, ये करते हैं फ्रॉड नंबर से। प्लस डार्सी पीज़वेक इक्वेशन को हमने मेजर लॉसेस में इसलिए कंसीडर कर लिया क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक होते हैं। जैसा कि मैंने अभी FL/V² 2GB को यूज किया जो कि डार्सी पीज़वेक का फॉर्मूला था, उन्होंने डायरेक्ट किया था, लेकिन चेजी के में यूज कर लिया क्योंकि ये यूज हो गई, हम जो फॉर्मूले हैं वो ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए ये भी आपस में इंटर रिलेटेड है। प्लस ये जो होते हैं, ये होते हैं मेजर लॉसेस की वजह से। तो ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मेजर लॉसेस में, जबकि माइनर लॉसेस होते हैं ड्यू टू बेंड, ड्यू टू सडन एक्सपांशन, एग्जिट लॉसेस, सडन कॉन्ट्रेक्शन, उन सब की वजह से होते हैं। तो मेजर लॉसेस में हम जो मेनली जो दो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं वो डार्सी पीज़वेक इक्वेशन प्लस चेजी फॉर्मूला। देखिए ये फॉर्मूला ड्राइव होकर कहाँ से आता है, यदि आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वो पाइप फ्लो के केसेस मैंने सॉल्व किए हैं, वहां जाकर आप देख लीजिए। प्लस और वीडियो देखना चाहते हैं तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। यदि आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो और वीडियो देखने के लिए चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की लिंक दी हुई है मैकेनिकल माइंड करके, वहाँ पर गेट और ESC के कुछ सॉल्व क्वेश्चन है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।